होगा। पत्थर पूजने से अगर कहीं भगवान मिलता तो मैं पहाड़ पूज लेता, अगर मास्क लगाने से कोरोना भाग जाता तो मैं पूरे शरीर में तिरपाल बांध लेता। समझिए बात, आप बरखलाइए मत। तो बताइए, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली दीजिएगा तो बिल्ली क्या कहेगा, हम दूध नहीं पीते हैं। मछली का बगुला क्या कहेगा कि हम मछली नहीं खाते हैं। अरे कैसे मनाया जाता है आप समझिए। जब दैनिक भास्कर के प्रमुख मोहित अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया तो हम आप क्या सोचिएगा कि कोई प्रिंट मीडिया हमारा आपके खबर को दिखाएगा। जब भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा जो बीजेपी राज्यसभा सदस्य बनाया, जिसने यस बैंक में डकैती की जिसके कारण यस बैंक डूब गया, तो आप क्या सोचते हैं कि सुभाष चंद्रा सही खबर दिखाएगा। जब रिपब्लिक भारत का मालिक दो कौड़ी के लुचल अफंगा पत्रकार अर्णव गोस्वामी का पार्टनर है, जो बीपीएल का मालिक है, जो राज्यसभा सदस्य है, तो हम आप क्या उम्मीद करेंगे कि रिपब्लिक भारत पूछता है भारत दिखाएगा, थूकता है भारत, थूकता है भारत, और मुंबई पुलिस थूकता है भारत। कल लेके देख लीजिए कानून को। कौन? रजत शर्मा। तो रजत शर्मा को काहे के दलाली मिला नहीं मालूम है, पद्म सम्मान काहे मिला है, नेहरू म्यूजियम में मेंबर कैसे बनाया गया है, वाई प्लस सुरक्षा कैसी दी गई है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर कैसे बनाया गया, पत्रकार है, देशभक्त पत्रकार है। अरे भैया आप तो सब देशभक्त हैं, आप मुजरा गाते हैं। सुनिए, आप लोग सारे के सारे मीडिया के पत्रकार गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, देश बेच रहे हैं। रजत शर्मा को शर्म नहीं आती जो पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव आपकी अदालत लगाता है, कहता है भाइयों 200 रुपये का सिलेंडर मिलना चाहिए कि नहीं, 25 रुपये पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए कि नहीं। अच्छा दिन आ गया है, 500 के नोट का गड्डी लगाने वाले थे काला धन का, जो स्वर्ग से लोग नीचे उतर जाता तो रजत शर्मा देशभक्त हो गया, देशद्रोही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। यही लोग भांड की तरह, पहले राजा के महाराजा भांड रखते थे, अब ये देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार रखते हैं। एक बात बताइए, काहे का वाई प्लस सुरक्षा दिया गया भैया, काहे का बताइए ना आप हमको। छख मराते तलवा चाटते हैं तभी ना मिला है, 10 रुपया कोई किसी को नहीं देता, आप दे दीजिएगा हमको 10 रुपया, दे दीजिए किसी बच्चे को। नेग का पैसा अपने रिश्तेदार को देता है तो इन पत्रकारों को राज्यसभा का सदस्य, बोर्ड में सलाहकार, वाई प्लस सुरक्षा, तभी के रजत शर्मा क्रिकेट के बैट के बल्ला पकड़े हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर हो गया। शर्म नहीं आती इन दरिंदों को, जालिम दरिंदों को, देश का बेरा गर्क हो रहा है, सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर आवारा कुत्ते की तरह प्लेट चाटने में लगा है, बोटी कुतुर कुतुर के खा रहा है, देश की स्थिति क्या हो गई, कभी सवाल किया रजत शर्मा? आखिर 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने तक देश से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना को क्यों छुपाया? सवाल है, माँ का दूध पिया है, सवाल रजत शर्मा कर सकता है मोदी से? आप बात करते हैं 31 दिसंबर को WHO आया, रजत शर्मा ने माँ का दूध पिया है, पुलवामा घटना की जिक्र कर सकता है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है? क्या सैटेलाइट पंजाब हरियाणा के किसानों के खेत की पराली जलती है तो यह बताता है कि सैटेलाइट की पराली जल रहा है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है? रजत शर्मा जी शर्म करो, बुढ़ापे की हड्डी टूटती है तो दोबारा जुटती नहीं, ये देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई हैं। आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं हम पर जबरदस्ती थोपने वाले? थोपना ही था तो आप जसोदाबेन पर न थोपते, अगर समझिए, अगर थोपे होते आप मोदी जी बाधे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता में और मोर में खेलना पड़ता, जिस दिन से मोर और तोता को हाथ लगाया बर्ड फ्लू हो गया, ऐसा पनौती है, देखिए समझिए पनौती कितना बड़ा है। किसान बर्ड फ्लू चिकन खा के, सुनिए इतना भी भरवा मत बनिए भैया, है ना कि आप जैसे पत्रकारों का दिल करता है जूता खोल के पिटाई करें।